ओम शांति। आज शुभ दिन है। कौन सा दिन है सबको पता है। एक भक्त ने गुरुजी के लिए वंदन में कहा कि जब आप शंका दूर करते हो तो शंकर दिखाई पड़ते हो, जब आप मोह नष्ट करते हो तो मोहन दिखाई पड़ते हो, जब आप हमारा विष हरते हो तो विष्णु दिखाई पड़ते हो, और जब आप हमारे दुर्गुण ले लेते हो तो दुर्गा दिखाई पड़ते हो, और जब हमारा गरूर दूर करते हो तो गुरु जी दिखाई पड़ते हो। और गुरु ब्रह्मा कहा गया तो जब आप हमारे सारे भ्रम दूर करते हो तो गुरु ब्रह्मा दिखाई पड़ते हो। तो आज का दिन शुभ दिन। बाबा को कहा जाता है ज्ञान सूर्य, जो सब जीवन की राहों को आसान कर देते, सद ज्ञान से भर देते, उनके आप अनमोल बाबा के रतन, अनमोल रतन, इनकी क्या कहूं, इनके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीप दिखाना ही होगा। तो इसलिए आप भी बाबा की भांति सबको आसान सी दिशा देने वाले, सबके परेशानियों को एक नई दिशा देके समाधान देने वाले, सदा मोटिवेशन उत्साह वर्धन करने वाले, हर बात के लिए कहने वाले, अरे इसमें क्या है, तो आसान सी बात हो जाएगा, तो इतना आसान करने वाले आज हमें बताने जा रहे हैं सहज योग के विधि। आदरणीय सूरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। ओम शांति। योग तो सहज ही है, पर मनुष्य उसे कुछ कारणों से कठिन और जटिल बना लेता है। योग के महत्व को यदि हम ठीक से समझ लेते हैं तो इस सब्जेक्ट पर बहुत ध्यान देंगे। किसी भी चीज की वैल्यू का ठीक ठीक पता हो तो सब पे ध्यान दिया जाता है ना। वैल्यू पता है, हमारे घर में एक छोटी सी भी चीज है, सुई भी है, समय पर जब उसकी जरूरत पड़ती है तो और कुछ काम नहीं आता, सुई चाहिए तो संभाल के रखी जाती है। योग की वैल्यू, मुरलियों में सब आता है। योग जीवन की यात्रा को आसान करता है, स्वतः ही समस्याओं को नष्ट कर देता है। योगी आत्माएं बाबा को बहुत आकर्षित करती हैं, उसका ध्यान रहता है योगियों की तरफ। योगी जन संसार के लिए श्रृंगार हैं। इन महान योगियों की संसार में उपस्थिति संसार के अस्तित्व के लिए बड़ी काम की होती है। तो हम अपने योग को महत्व दें। आज भी एक लाइन मुरली में सुनी, मैं भी सुन रहा था, ये दुख तो कुछ भी नहीं, बहुत दुख आने वाले हैं, हमने सुना, किसी ने लिख लिया, ठीक है आएंगे। परंतु मैं तो दुखी लोगों को देखता हूं क्योंकि मेरे पास आते हैं, मैं सोचता हूं जब बहुत दुख आएंगे तो इनका क्या हाल होगा। ये बात अज्ञानियों की नहीं, ब्राह्मणों की भी है। दुखों को सहने की शक्ति, जिसको बाबा कहते हैं विनाश को देखना सहज काम नहीं है। चारों ओर भय का माहौल होगा, बढ़ता जा रहा है भय संसार में। हमें अच्छा योग करके अब इस योग से अपने को भी और संसार को भी मदद करनी है। समय विकराल आएगा। छोटी सी बात कह दूं, बाबा नहीं आ रहा है, आगे की कोई उम्मीद नहीं है,
अनेक ब्राह्मण सब बड़े छोटे सोचते हैं क्या होगा, बाबा आएगा या नहीं। मैं सीधा कह देता हूं नहीं आएगा। लोगों को खराब भी लगता है, ऐसा क्यों बोलते हो आप। मैंने कहा मुझे पता है ना वो नहीं आएगा, क्योंकि वो 50 साल बहुत आया है, उसने जो कुछ हमें दिया है उसके लिए शब्द नहीं, अतुलनीय भी छोटी बात, अनंत ज्ञान का भंडार। अब वो चाहता है सभी बच्चे उसका स्वरूप बन जाओ, संसार को देने का समय आ रहा है। बाबा आके क्या करेगा, आता रहा, लोग मिलते रहे, छोड़ के भी जाते रहे। हमने लाखों को जाते हुए देखा है, भगवान से 10-10 बार मिलके छोड़ के जा रहे हैं। अब बाबा भी सोचता होगा मेरे आने से काम नहीं चल रहा, अब कुछ और करना पड़ेगा। तो गॉड्स प्लान कुछ और है युग को बदलने की, बदलना तो उसको है। एक बात और याद आ गई, टॉपिक से बाहर है पर बता दूं, कोई डॉक्टर कहीं का बहुत ज्यादा प्रचार कर रहा, श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया और 15 साल का हो भी गया। गलत है साहब। क्यों गलत है बताओ। बाबा की मुरलियों में सब आता है, श्री कृष्ण जब जन्म लेगा तो क्या होगा, बहुत थोड़े लोग बचेंगे, जब वो आत्मा उतरेगी लाइट हो जाएगी, सबको पता चलेगा फर्स्ट प्रिंस ने जन्म ले लिया। पतित आंखों से देवताओं को नहीं देखा जा सकता, उसका बाप भारत का सम्राट होगा। कहाँ है वो सब, ये सब झूठे प्रचार करते हैं लोग जिन्हें कुछ नहीं आता। इसलिए हमें श्रेष्ठ योगी बनकर अपनी स्थिति को महान बनाना है। बनना है योगी, कौन कौन बनना चाहेंगे? नहीं सब नहीं, वो तो एक दूसरे को देख के हाथ उठाते हैं। मैं खुली बात करूंगा आपसे, ये नहीं आप तो हो ही योगी, जैसे बाबा खुश कर देता था ना, सब मेरे योगी बच्चे बैठे हैं, योग लगता हो ना लगता हो, बाबा से तो जुड़ गए तो योगी तो हो गए। सच बताओ, त्याग करना पड़ेगा। अगर योगी बनना चाहते हैं तो व्यर्थ के लिए कान बंद। बोलो माताओं का, अब बोलो क्या इरादा है, सोच के बोलना। हाथ ऊपर जा रहा है, ये मेरे पास नहीं, ऊपर सीधा। व्यर्थ सुनने की आदत, आजकल नेट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो। माताएं कम लगी होंगी पर युवा वर्ग तो पूरा लगा है। ये सब विनाशकारी है, विनाश से पहले इन सब ने विनाश किया है मनुष्य का। प्योरिटी का विनाश, सद्बुद्धि का विनाश, बुद्धि की एकाग्रता का विनाश। खुल के बोल रहा हूं, जरा बुरा किसी को लगे हाथ उठा देना तो बंद कर दूंगा। योगी बनना है जो सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है, उससे बड़ी प्राप्ति कोई होती। योगी बनना ही बहुत बड़ी प्राप्ति है, क्योंकि उसमें आत्मा परम आनंद में रहती है, स्वर्ग के सुख भी उसके आगे फीके लगते हैं, वो सुख ही बहुत बड़ा है। मैं तो याद किया करता हूं, हमने बाबा के पाठ को कितने साल देखा, पहले दिन से अंत तक। वो दिन याद करते हैं जब बाबा नीचे शांतिवन में 4-4 घंटे बैठते थे, वाइब्रेशंस याद आते हैं, वो डीप साइलेंस, परमात्म प्यार की तरंगे फैल गई। हम सबके लिए बहुत बड़ा उत्सव होता था वो, सेलिब्रेशन होता था या नहीं जिन्होंने किया है। हमने तो हजारों बार कर लिया, यहाँ आए, हिस्ट्री हॉल में आए, बाबा अपने कमरे में आए, और कई जगह आए हैं। तो अब बाबा चाहता है तुम मेरे पास आओ, शरीर छोड़ के नहीं, शरीर में रहते हुए। आने वाला समय हमसे ये डिमांड करेगा कि हम संसार को बहुत कुछ दें। और जो मोह ममता माया के जाल में ज्यादा उलझ गए हैं ना ब्राह्मण, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। जब उन्हें लगेगा इन करोड़ों को कमाने में तुमने जीवन लगा दिया,
वो समाप्त हुए, रोता छोड़ गए। इसलिए दृढ़ संकल्प करें सभी, मुझे योगी बनना है। कई लोग इस बात को नहीं समझते, योगी बनेंगे कार्य सहज सफल, योगी बनेंगे बच्चे चरित्रवान, योगी बनेंगे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ेंगे, योगी बनेंगे सफलता आगे पीछे घूमेगी। लोग सोचते हैं योग में टाइम दें, मुरली में टाइम दें, अरे काम में टाइम दें। बहुत गलत विचार है, उलझते जा रहे हैं कई लोग। इसलिए प्रभु प्लान को समझते हुए 2030 तक उसे युग बदल देना है। उस तरह से प्रोग्राम नहीं चलेंगे जैसे चलते आए हैं 84 साल, कुछ और चलेगा जिससे तेजी से परिवर्तन होगा। बाबा क्या करते थे, बाप ये मेहनत राजा और रानी तैयार करने की कर रहे हैं, जिस दिन वो तैयार हो जाएंगे प्रजा तो एक दिन में आ जाएगी सारी, एक दिन लगेगा। इसलिए 10-12 लाख से 10-12 करोड़ होना एक साल का काम होगा, बस ज्यादा नहीं। लेकिन महत्व होगा देने वालों का, जिनके अंदर योग की शक्ति होगी, जो दृष्टि देकर दूसरों के दुख हर सकें। देखो कौन करेगा ये काम, जो वाइब्रेशंस देकर सबको रात को सुला सकें। सोएंगे नहीं लोग, मुझे साफ दिख रहा है 2025 आते आते संसार की आधी पॉपुलेशन रात को जागरण करेगी, सजाएं खाएंगे। पूर्वज बनकर उन्हें सुला दें अपने कमरे में बैठ के ही, ऐसी योगी आत्माओं की बाबा को जरूरत है। वो भी तो उसे याद करेंगे ना जग के, हे भगवान मैंने क्या पाप किए, नींद नहीं आ रही है। बाबा हमें कहेगा अभी इन्हें सुलाओ, बच्चे रो रहे हो, दो पति जग गया हो, पति माँ को पत्नी को उठाएगा, सुलाओ इन्हें जाके। करते हैं या नहीं करो, में बाबा भी हमें जगाएगा, नहीं तो हमें भी सोने नहीं देंगे वो, अभी इन्हें सुलाओ फिर सोना। तो योगी आत्माओं का ही महत्व होगा। अगला संगम युग, अगला माना जो आगे अब आ रहा है समय, ये योगियों का होगा। इसलिए बाबा की मुरली में एक बहुत अच्छी बात आती है, स्वार्थ और कामनाओं को छोड़ दो, निष्काम हो जाओ। जिनको योगी बनना है निष्काम, आज के स्लोगन में भी है, मेरा कुछ भी नहीं, ये स्थिति है योगियों की। तब अनुभूति होगी बाबा मेरा है, अगर मेरा यहां सब कुछ है तो बाबा मेरा नहीं, सीधा हिसाब है। मेरा कुछ भी नहीं तो बाबा मेरा है, उस पर अधिकार, उसके वरदानों पे अधिकार, उसकी शक्तियों पे अधिकार, उसकी शांति पे अनुभव होने लगेगा। तो 3 चीजों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे जिनको योगी बनना है। आत्मिक अभ्यास, बिल्कुल मैं चमकती हुई मस्तक मणि हूं। दूसरा आत्मिक दृष्टि, एकाग्रता को बढ़ाने में सबसे बड़ा काम करती है आत्मिक दृष्टि, और मैं आत्मा हूं, आत्मभिमानी स्थिति। मुरली में अभी आया 4-5 दिन पहले, मन बहुत भटकता है, आत्मविमानी होने का अभ्यास करो, मन का भटकना बंद हो जाएगा। साकार मूल्यों में गहरी बातें आती हैं, अति गहरी। तीसरा अभ्यास श्रेष्ठ स्वमान का, एकाग्रता बढ़ जाएगी। ये 3 अभ्यास, ये 3 पिलर हैं पहले, और चौथा पिलर है ज्ञान का बल, जिसके आधार से हम बुद्धि को स्थिर करें, निश्चिंत करें, बेफिकर बादशाह बने, इधर उधर से हमारी बुद्धि हटाएं हम ज्ञान के द्वारा।
तो ये चार पिलर हैं जिनको योगी बनना हो, वो चित्रों वाले पिलर बाहर वालों के लिए, जो ज्ञान सुनने आते हैं हम सुनाते हैं उनको, ये पिलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसको ही तपस्या कहते हैं। और भी सुन लें आप, मुझे जिन बातों ने बहुत अट्रैक्ट किया है जीवन में, तुम्हारी श्रेष्ठ साधना है बुद्धि को स्थिर करने की, ये हमारी श्रेष्ठ साधना है। बहनों को जगह दो, इधर आ जाओ, लास्ट वाले फास्ट आ जाओ, इधर आगे आ जाओ, बताओ माताओं को इधर आ जाएंगे। हमारी सर्वश्रेष्ठ साधना है बुद्धि को स्थिर करना, और बुद्धि स्थिर तब होती है, उदाहरण है, आजकल तो यूज नहीं होता, पहले घड़ों से मटकों से पानी लाया करती थी बहनें, तीन तीन रख लेती थी, भरा होता तो छलकता नहीं था। भरी होगी बुद्धि ज्ञान रत्नों से तो स्थिर हो जाएगी। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, ज्ञान नहीं तो हमें यहां लाया, ज्ञान रोशनी है हमारे लिए, ज्ञान हमारे जीवन को सरल करता है। इसलिए ज्ञान की ऐसी पॉइंट सभी को अपने पास रखनी है। मैं ये बात बहुत कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये पूरा जीवन किया है, अब मैं आपको कह रहा हूं, कम से कम 16 पावरफुल ज्ञान की पॉइंट्स अलग से अपने पास लिखो, बदलते रहो नहीं, ऐसी पॉइंट्स जो चित्त को शांत कर दे, ऐसी पॉइंट जो हमें बेफिक्र बादशाह बना दे, ऐसी बातें जो हमें नशे में ले जाए, सब व्यर्थ को खत्म कर दे, ऐसी बहुत सुंदर बातें साकार मूल्यों में अव्यक्त में आती हैं, उन पे सभी ध्यान दे। भाई माताएं तो आती रहेंगी, इधर को जाओ, हे बहनों, माताएं आती रहेंगी, गड़बड़ होती रहेगी, चलो एक एक लाइन इधर हो जाओ, एक उधर खाली कर दो, और भी आएंगे, अभी थोड़ा आगे भी हो जाओ। पहला अभ्यास सभी करेंगे, बस स्थिर हो जाओ भी, बाबा से अपनापन, ये मोटी बात भी है लेकिन बहुत सुंदर है। बाबा मेरा है, गीत तो हम सबने बना दिए खूब, वो मेरा है, जैसे आप अपने बच्चों को देखेंगे, सोचना नहीं पड़ता है मेरे हैं, क्या फीलिंग होती है, क्या प्यार रहता है, क्या भावनाएं रहती हैं, हम उनके लिए क्या करना चाहते हैं, पड़ोस के बच्चों के लिए तो नहीं करेंगे ना वो। बाबा मेरा है, पहला कदम योग का, ये मेरा पन बढ़ाना है, बड़ी गहराई है इसमें, ये मेरा बाबा कहने वाला नहीं बात कि कह दिया मेरा बाबा काम हो गया, लेकिन बहुत अपनापन हो जाए, अपनेपन पर क्या होता है, अधिकार। नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज होगी भगवान पे अधिकार, छोटी बात नहीं होगी, अब तो मनुष्यों पे भी अधिकार नहीं रहा, आपका अधिकार आपके बच्चों पे नहीं है, अभी अधिकार करेंगे तो छोड़ के निकल जाएंगे आपको, भगवान पे अधिकार। पसंद है बहनों को, भाई लोग समझ रहे हैं, वो मेरा है उस पे अधिकार है। बाबा बहुत अच्छी चीज सिखाते रहे, बहुत बार सिखाया, यूज करो बाबा को, वो मेरा है कहने के लिए नहीं, सचमुच वो मेरा है उसे यूज करो, जैसे यहां संसार में यूज करते हैं ना, आपका कोई रिलेटिव मिनिस्टर बन जाए, यूज कर लेते हैं उसे, कहीं कट नहीं आ जाए, यूज करते हैं, भाई यहां दिक्कत है, हमें मदद चाहिए, मदद करो, करते हैं।
बाबा भी पूरी तरह मदद करता है। मैं बाबा का एक महावाक्य याद दिला दूं जो वेल नोन है, पॉपुलर है, लेकिन उसकी लास्ट बात बहुत बाबा के बच्चे भूले रहते हैं। जब भी मुश्किल आता है दिल से कहना, आगे बोलो और आगे और नहीं, बाबा की महिमा नहीं करो, और आगे बोलो, कहो क्या कहो, आ जाओ मदद करो, इससे आगे की लाइन नहीं भूलना, वो भूली हुई है, वो शायद किसी को भी याद ना हो, जिसको याद हो बताओ। देखो बहुत अच्छा, आप तो बुद्धिमान है, से माताएं होशियार हैं भाई। बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए, इस बात को बुद्धि में और दिल में समा लो। हम मनुष्यों की ओर देखते हैं द्रौपदी की तरह, द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, पांडवों की ओर देगा, भीष्म पिता में गुरुजन धृतराष्ट्र सब ने सिर झुकाए हुए थे, आखिर में याद आया श्री कृष्ण आगे उलहना देने लगी, बहुत देर लगाते हो, कहावत है भगवान के लिए, देर लगाते हैं, देर तो नहीं पर देर बहुत है। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, देर मैंने लगाई या तुमने, ये गड़बड़ सब करते हैं, पहले अपनों के पास जाएंगे, इधर उधर देखेंगे, फिर याद आएगा बाबा ने कहा हुआ ना मुझे बुलाओ, चलो बुला के देखते हैं, आ गया तो सो भला, ना आया तो ठीक है परम धाम में ही राजी, डाउट रहता है। इसलिए अधिकार की फीलिंग, मेरापन, एसरीडीपन का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। मोह छूटेगा दो अभ्यास से, आत्मिक अभ्यास, आत्मिक दृष्टि, बुद्धि एकाग्र होगी इन दोनों अभ्यास से, प्योरिटी बढ़ेगी इन दोनों अभ्यास से, और अगर हम ये अभ्यास बहुत बढ़ा लें तो सुख इतना मिलेगा कि व्यर्थ को आप ही विदाई देंगे, हम कोई सुनाने भी आएगी ना सखी, ओम शांति कर देंगे, नहीं तो प्रोग्राम बना के बैठ जाती हैं माताएं, दो घंटे के लिए बैठ जाती हैं या नहीं, मुझे कहनी है माताओं को बात, क्योंकि माताएं आती हैं बहुत कष्टों में, लगता है सारी शक्तियां खत्म कर दी हैं, एक ही बात होती है व्यर्थ। इसलिए ये दो अभ्यास और तीसरा स्वमान सभी बहुत बढ़ाएंगे। चमकती हुई मणि अपने को देखना है, देखो हमें अपने को भी देखना है, इंग्लिश में इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, और शिव बाबा को भी देखेंगे तब तो बुद्धि योग लगेगा ना। दिखाई उसको देगा जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, बुद्धि नेत्र है, नेत्र स्वच्छ ना हो तो कितनी कठिनाई हो जाती है, नेत्र बुद्धि का नेत्र स्वच्छ डिवाइन बहुत दिव्य, तो बाबा साथ साथ दिखाई देगा, तो बाबा पर इतना अच्छा अधिकार जमा लें, संकल्प करते ही उपस्थित, उसको देर नहीं लगती, संकल्प किया और हाजिर है। अपने अपने घरों में सभी भाई बहने योग का प्लान बनाएं। मैं अभ्यास नहीं कराऊंगा अभी, वैसे तो मैं अभ्यास कराता हूं इन सब चीजों के लिए, पर आप थोड़ा थोड़ा प्लानिंग करें। जिसको बहुत अच्छा योगी बनना हो, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा उसमें डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, 10-10 मिनट 5 बार बैठकर योग साधना करना, ये बैठकर करनी है, चलते फिरते करना वो बाद में होगा जब हमारी नेचुरल हो जाएगी। और जिनको जिनको लगता है 5 तो ज्यादा है, 3 बार 15-15 मिनट बढ़ा कर दें थोड़ा, इससे कम नहीं। अब देखो कैसे, एक
सवेरे 6 बजे के आसपास, अमृत वेले के अलावा ये बात है, सवेरे 6 बजे के आसपास, या आप मुरली में पहले आ जाएं तो मुरली से पहले 15 मिनट। आपके घरों में माताओं को इजी है, नाश्ता बनाया, सबको खिलाया पिलाया, थोड़ा खाली हुए, तब भाई लोग काम पर जाने से पहले इवनिंग एक टाइम जरूर करें, सोने से पहले एक टाइम और अपनी दिनचर्या अनुसार। अपने प्रोग्राम को सेट करना है, प्लान खुद बनाना है। इसमें ऐसा भी नहीं कि कभी आपका छूट गया तो छोड़ ही दें सदा के लिए। गृहस्थ में रहने वालों को कई काम होते हैं, छूट जाता है कभी, कोई बात नहीं, फिर शुरू करो। 3 दिन छूट जाए, 5 दिन भी छूट जाए, फिर शुरू कर दो। क्योंकि एक डिसिप्लिन बनाने से, अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बनाने से पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। क्योंकि योग, एकाग्रता ऐसी चीजें हैं, अगर एक बार एकाग्रता लंबा समय टूट गई, 6 मास, फिर उसको वापस लाने में 6 साल लग सकते हैं। इसलिए एकाग्रता को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, बहुत ध्यान देने की बात है ये। इसलिए 2-4 दिन छूट गया, कभी मैरिज हुई, आप ज्यादा बिजी हो गए, कोई बात नहीं, फिर शुरू करो। हफ्ता भी छूट जाए, फिर प्लानिंग करके शुरू कर दो। सवेरे बाबा से बहुत बल मिलता है, मुरली का बल, 2 बल छोड़ने नहीं है। बहुत सुख है मुरली में, मुरली परमात्म मिलन कराती है, उसके प्यार की अनुभूति कराती है। शिक्षक है वो, बहुत जबरदस्त शिक्षाएं देकर मार्ग को सरल कर दिया है उसने। मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरली के लिए कोई कहे कि वो ज्ञान तो हमें सारा हो गया जो बाबा देते हैं, इसका कोई महत्व नहीं। ज्ञान हमारे पास है, इसका कोई महत्व नहीं है, सचमुच महत्व नहीं है। महत्व इस चीज का है कि उन चीजों को कितना प्रैक्टिस में ला रहे हैं, और वो रोज रोज सुनने से ही होगा। जब बाबा व्यक्त हुए और बाबा आने लगे तो बाबा से किसी ने ये प्रश्न सीधा पूछ लिया, मुरली में तो बाबा वही वही बात आती है। बाबा ने कहा ठीक है, बाप ने 1000 बार कहा है अपने को आत्मा समझो, लेकिन आपने समझा किया ही नहीं, तो और कहना पड़ेगा ना। तो देखो, बाबा कहते हुए थकता नहीं है, ये नहीं ने 1000 बार तो समझा दिया, सुधरते ही नहीं, छोड़ो, ये नहीं। उसको सबको पवित्र करना है, संपूर्ण बनाना है। इसलिए प्रैक्टिस, और बहने अगर एक छोटा सा काम कर लें तो योगी जीवन बनाना सरल हो जाए। भोजन बनाते मैं परम पवित्र आत्मा हूं, अधिक से अधिक बार याद कर लें। बाबा का आह्वान करो अपने किचन में, अपने को इस स्वमान में लाओ, मैं परम पवित्र हूं, पवित्रता की देवी हूं इस घर में, और याद करने लगो मैं परम पवित्र आत्मा। क्या होगा, माताएं करती नहीं है सब, करती हैं तो 2-4 बार किया फिर भूल गए। समझ लो इसका महत्व, आप बार बार याद कर रहे हैं मैं परम पवित्र आत्मा हूं, आपके पवित्र तरंगे पूरे घर में फैल रही हैं, वो आपके ब्रेन में फैल रही हैं, आपके शरीर में फैल रही हैं, आपको निरोग करेंगी, वो भोजन में जा रही हैं, भोजन को औषधि बनाएंगी। और जब आप बहुत अभ्यास करोगे, मेरे कहने से 7 दिन कर लो बस, फिर छोड़ना हो छोड़ देना, 7 दिन में आपका व्यर्थ पूरी तरह समाप्त, आपको इच्छा ही नहीं होगी, रुचि ही नहीं रहेगी व्यर्थ की, ब्रेन उससे भर जाएगा, एक सुख मिलने लगेगा। 7 दिन में 3 बार करेंगे ना, 3 बार में 50-50 बार भी कर लो, मजा आएगा आपको, और फिर ये मंत्र जैसा बन सकता है, आपको व्यर्थ से मुक्त कर देगा। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने जब से सीखी,
मेरा लक्ष्य है सारा संसार उसे सीखे, ज्ञानी अज्ञानी सब सीखें। आप भी सीख लें और सिखाएं अपने परिवार को, बच्चों को, संबंधियों को। हमारे हर संकल्प से शक्ति पैदा होती है, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, शक्ति जनरेट होती है। अब जब शक्ति पैदा हो रही तो कहां जाएगी? पहले ब्रेन में, शरीर में फैलेगी, ऑटोमेटिक फैलती है शरीर में, फिर बाहर फैलेगी, प्रकृति में जाएगी, रिएक्शन होगा, निर्माण होगा। अगर कोई मनुष्य निगेटिव सोचता है, निगेटिव एनर्जी पैदा हो रही है, ब्रेन में जा रही है, ब्रेन की कई चीजों को डैमेज कर रही है, डैमेज माना नष्ट कर रही है, जला रही है, संभलना है। कईयों को आदत पड़ गई है बहुत सोचने की, ये नई बीमारी शुरू है संसार में अब, और अगले 5 साल में ये तूफानी बन जाएगी। कल भी कोई आया मेरे पास विदेश से, बताया इसको बहुत सोचने की आदत पड़ गई है, इसका पूरा परिवार इस बात से दुखी है और उसका हाल बिगड़ रहा है। पेट खराब तो सिर दर्द, नींद नहीं आती, परेशान, चिड़चिड़ापन, एक ही बात, ज्यादा सोचने की आदत। तो बुरी एनर्जी पैदा हो रही है, फैल रही है ब्रेन में चारों ओर, पेट को खराब कर रही है। मैंने उनको एक ही बात सिखाया, उठते सोते 7 बार याद करना, मैं निरोग हूं, मेरा पेट खराब है, कुछ हजम नहीं होता, 7 दिन चिंता रहती है, ये खाऊं या ना खाऊं, मैं निरोग हूं। एक एक संकल्प एनर्जी देगा तन को, मन को, बुद्धि को, ब्रेन को, बाहर प्रकृति को। सभी समझ रहे हैं भाई बहने? आप अगर सोच रहे हैं मेरा तो भाग्य खराब है, आदत है कईयों को ये सोचने की, ये सोच के भी सुखी हो जाते हैं थोड़े दिन के लिए, क्या करें भाग्य खराब है। अगर आप बार बार ये सोच रहे हैं तो भाग्य को और खराब कर रहे हैं। और जिस दिन सवेरे उठते सोचने लगोगे मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, उस दिन से भाग्य पलटना प्रारंभ हो जाएगा। हर संकल्प से एनर्जी पैदा हो रही है। क्या सोचते हैं हम सारा दिन? ऐसे तो हजारों संकल्प उठते हैं, पर 10 ऐसे संकल्पों को आप नोट कर लें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रभाव डाल रहे हैं। मेरे बच्चों का क्या होगा? माताओं को बहुत संकल्प, क्योंकि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बुरा संग, नेट का संग, व्हाट्सएप, सबके पास लैपटॉप है, लगे रहते हैं उसमें, बहुतों के साथ हो रहा है, 50% घरों में बच्चों का ये हाल हो गया है। अगर आप बार बार चिंता करेंगी मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, इन्हें कौन संभालेगा, तो बिगड़ेगा खेल। चेंज कर दो संकल्पों को, बोलो क्या सोचेंगे? अच्छा होगा। और आपके पास बहुत अच्छे संकल्प है, निकालो उन्हें। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये भाग्यवान हैं, ये चरित्रवान हैं, ये शिव बाबा के बच्चे हैं, इनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। ये सोचने में क्या नुकसान है? ये सोचो तो आपके वाइब्रेशंस उनमें जागृति ला देंगे। इसलिए संकल्पों की उथल पुथल से बचेंगे तो योगी बनेंगे। एक ही संकल्प जो आप सबने बोला भी, उससे अनेक संकल्प खत्म हो जाएंगे। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं इसमें 2 संकल्प और जोड़ रहा हूं आजकल, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूं और मेरे साथ स्वयं भगवान है। देखिए सारा खेल संकल्पों का है, ये चारों युग संकल्प से ही चलते आए हैं।
इसलिए संकल्पों को एकाग्र करने के लिए अपने संकल्पों को सुंदर बनाएंगे। संकल्पों को रोकना संकल्पों को एकाग्र करना नहीं है। कई लोगों ने इस बात को समझा नहीं। एकाग्र होना है माना कुछ नहीं सोचना है। गलत डेफिनेशन है। सोचना है अच्छे से अच्छा, यह है एकाग्रता। सोचना है वो जो हमें सोचना चाहिए, जो नहीं सोचना चाहिए वो नहीं सोचना है, यह है एकाग्रता। बुद्धि की एकाग्रता है शिव बाबा के स्वरूप पर बुद्धि लग जाए, और मन की एकाग्रता है मन श्रेष्ठ संकल्पों में आ जाए। संकल्पों को बंद नहीं करना है। सुंदर संकल्प क्रिएट करेंगे, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। और सुंदर संकल्प कहाँ मिलते हैं हमें रोज? मुरली से। बस इस पे बहुत ध्यान देंगे सभी। दो कोई भी पॉइंट मुरली की रोज अपने घर ले जाया करें, उससे आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। कौन बन सकते हैं योगी? बनना है सबको, पर कौन? ये तो हो गया, अब आगे बढ़ो। मैंने ज्यादा ही बोला व्यर्थ पे, मुझे इतना नहीं बोलना था। बोलो। जो अपने स्वभाव को सरल बनाए, और सरल स्वभाव के दो सिंपल बात मैं आपके सामने, बिल्कुल सिंपल, उन चीजों को स्वीकार कर लेना है जिनको हम बदल नहीं सकते। हर एक के जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, और कामनाएं कम कर देनी है, बस सरलता आएगी। अपने से बात करना बहुत जरूरी है। योगी वो बन सकेंगे जो स्वयं से बातें करेंगे एकांत में। बातें करो अपने से। हमने चार युग पूरे कर लिए। परिवार थे हमारे पास 84 जन्मों में, अब क्या हो गया? हम सब ने 84 जन्म परिवारों की देखरेख की, उनकी पालना की, सब कुछ उनके लिए किया। अब क्या हो गया है? स्वयं भगवान आ गए हमारे पास अपना सब कुछ देने के लिए। अब मुझे उससे सब कुछ लेना है। बातें करो अपने से। वो मुझे राजभाग्य देने आ गया है, वो मनचाहा भाग्य दे रहा है, वो था खजाने लेकर आ गया है, मुझे ले लेना है। इस सुंदर अवसर को चूकने नहीं देना है। करेंगे ना ऐसे बात? ऐसा अवसर भाग्यवान आत्माओं के पास ही आया है। कितने छोड़ के चले गए? अगर 12 लाख ब्राह्मण है तो 12 लाख ही चले गए, सुंदर भाग्य को छोड़ कर चले गए। फिर आएंगे सब कुछ गंवा के, आखिर में थोड़ा सा लेने फिर आएंगे। जाएंगे कहीं नहीं, याद करते होंगे। इधर उधर कोई भटक गए, कोई इस पार्टी में कोई उस पार्टी में, फिर आ जाएंगे। कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, फिर वापिस। बातें करेंगे स्वयं से। सब कुछ पाने का समय है। एक सीन बनाया करें अपने सामने। अपने घरों में 5 बार बाबा का आह्वान करो। सीन बनाओ, बाप दादा सामने आ गए, खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। मुझे बाबा की बात सबसे प्रिय लगती है, साकार मुरलियों में आता रहता है। मेरे से जो चाहे ले लो। क्या हमें अवेयरनेस है, जागृति है? भगवान से सब कुछ लेना है। कहां मांगते आते थे, थोड़ा थोड़ा। बाबा कहते तुमसे तो मांगना भी नहीं आता था, कि भगवान से मांगे क्या, बाबा बच्चे को पास करा देना, बस इतनी सी बात, पढ़े या ना पढ़े तुम पास करा देना, ये बीमारी आ गई इसको ठीक कर देना,
ये समस्या आ गई, इसको दूर कर दो। अब भगवान राजा ही देने आ गया जन्म जन्म की, और ऐसा देने आ गया, बोलो कैसा, कितना दे देता है कि हम सबको देते रहेंगे, 21 जन्म तो मिल ही जाएगा, हम सबको बांटते रहेंगे। दाता बना देता है हमें भी, भाग्य विधाता, वरदाता, जो तीन बड़े शब्द हैं महिमा के भगवान की, दाता विधाता वरदाता, वो हमें बना देता है। बाबा की मुरलियों में आता रहता है, जो मेरी महिमा है वो तुम्हारी करा देता हूं, खुद ऊपर बैठ जाता, तुम्हारा गुणगान करेंगे लोग, तो अपने से बातें करेंगे, मुझे बाबा से क्या लेना है, हफ्ते में एक बार जरूर किया करो, रोज करें तो बहुत अच्छा, सेल्फ मोटिवेशन है ये, खुद को जगाना, कहीं भी अलबेले हो गए फिर कुछ जग जाएंगे, सवेरे सोए रह गए तो चिंतन करो, पछताओ नहीं। कई लोग क्या है, सवेरे नहीं उठे तो सारा दिन मूड ऑफ है, लोग भी कह रहे क्या खो गया आज तुम्हारा भाई, किसको बताए कि सवेरे नहीं उठे हैं। चलो नहीं उठे तो अपने से बात करो, भगवान भाग्य बांटने आता है, मुझे सोना नहीं है, उसे सब कुछ लेना है, भोलानाथ बनकर बैठता है, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा कल्प में, जब वो अपनी ओर से सब कुछ देने आ गया हो। अपने को फ्रेश कर लो जल्दी, कम से कम सवेरे का समय गंवा दिया तो सारा दिन तो न जाए ना खाली, अभी लेने का है, कुछ और देगा बाबा, चलो उतना नहीं थोड़ा कम देगा, पर देगा तो सही। अपने से बातें करना, योगी वे बन सकते हैं, अब आगे चलो, योगी वे बन सकते, भाइयों का नंबर है संजय भाई, जिसमें संपूर्ण पवित्रता हो, बुद्धि इससे भी आगे, बुद्धि निर्मल स्वच्छ, जिसके चित्त में सभी के लिए प्रेम और शुभ भावनाएं भरी हो, नफरत वैर भाव जिन्होंने पीछे छोड़ दिया हो, चेक कर लो अपने को, नफरत और वैर भाव, बातें तो बहुत हैं इन विकारों की, पर ये दो चीजें, नफरत और वैर भाव हमारी बुद्धि को बहुत विचलित करता है, हमें तो सद्भावनाओं का दान देना है संसार को, हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के दुख हरेंगी, आगे चल के सबको दिखाई देगा। बाबा ने कहा तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया बन जाएंगी, ये अनुभव होगा, इसलिए ये उनका होगा जिन्होंने और भावनाएं खत्म कर दी हो, इसने मुझसे ऐसा किया, जब तक बदला नहीं लेंगे नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं, नफरत रहती है किसी से अवगुण देखकर, इन सब से परे, सबसे परे होना है, ये निर्मल स्थिति, निर्मल चित्त, पवित्रता, निर्मलता, और फिर आती है निर्विकारी स्थिति, जो फाइनल है, बहुत ऊंची स्थिति जो थोड़ी आत्माएं प्राप्त करती हैं, 108 विजय रतन। तो हमें अपनी प्योरिटी को बढ़ाना है, आपकी कम है इसका अर्थ ये नहीं कि आप छोड़ देंगे, हमारी तो है ही कम, योगी बन ही नहीं सकते, नहीं, योग से प्योरिटी बढ़ती जाएगी, चिंतन से प्योरिटी बढ़ती जाएगी, कुछ चीजों का त्याग करेंगे, कुछ चीजों की प्रतिज्ञा करेंगे, प्योरिटी बढ़ती जाएगी और हम बाबा के समीप पहुंचते जाएंगे। आगे चलो, आगे वाले भाई बोलो कौन बन सकते हैं योगी, वैराग, आपने तो बहुत बड़ी बात बता दी, ये कह देंगे तो घबरा जाएंगे लोग, ब्राह्मणों को वैराग तो आ नहीं रहा है, राग ज्यादा हो गया है, पदार्थों में राग, धन संपदा में राग,
वैराग्य का अर्थ ये तो नहीं होता कि हम सूखे सन्यासी बन जाएं, धन न कमाएं या बच्चों की पालना न करें, लेकिन टोटल कहीं भी उलझे हुए ना हो, किनारे छोड़ चुके हो। बाबा हलवे का उदाहरण देते थे, हलवा जब तैयार हो जाता है तो कढ़ाई छोड़ देता है, घूमने लगता है सारा ही। बाबा भी कहते थे तुम भी संपूर्ण माना सब किनारे छूट गए, जहां पकड़े हुए थे वो छूट गए। तो चिंतन करेंगे वैराग का बीच 84 पूरा हुए जन्म, सब कुछ छोड़कर घर जाना है, सब कुछ छोड़कर और सब कुछ लेकर, दोनों करना ना, हमें खाली हाथ नहीं जाना है, यहां का यहीं छोड़ देना है और बाबा से सब कुछ लेकर वापिस जाना है। तो वैराग का अर्थ है थोड़ा थोड़ा जो लगाव ज्यादा है पदार्थों में उससे हट जाएं। मैं मोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मान लो मोबाइल है आपके पास 10,000 का है, अब बाजार में मोबाइल आया है 50,000 का। अब कंपनियां तो नया नया लॉन्च करेंगी, ये तो उनका धंधा है ताकि लोग खरीदें। अब आपको इच्छा हो रही है, अरे मेरे सब साथियों ने 50,000 का ले लिया, मुझे कहेंगे कैसा आदमी है 10,000 का पुराना लिए घूम रहा है। हो या ना हो, अब चली गई बुद्धि उधर, जब तक वो नहीं मिल रहा योग नहीं लग रहा है। अच्छा मिल गया योग, लग तो गया, लेकिन उससे आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती हैं। वही सेवाओं में अगर लगा देते पैसा, भाग्य बनाने में लगा देते, चलो किसी के कल्याण करने में लगा देते, किसी गरीब को दवाई नहीं मिल रही उसको मदद कर देते, तो बहुत फायदा हो जाता ना। वैराग्य, रॉयल वैराग्य है हमारा, ज्ञान युक्त वैराग्य। पीछे वाले बताएंगे कौन बन सकते हैं योगी, बोलो। अभी तो बहुत बातें हैं, ये तो छोटी बातें हैं। निश्चय बुद्धि है, नष्टो मोहा। अब ये भी भारी पड़ेगा आपको, कहेंगे नष्ट वहां होते ही नहीं, योगी बनेंगे नहीं क्या। बोलो, खड़े होके बोलो, हाथ उठाने वाली बहन, ट्रस्टी होकर रहना। बोलो आप पीछे वाली, संतुष्ट रहना। बहुत अच्छी बातें हैं ये सब, ट्रस्टी होकर रहना, संतुष्ट आत्मा बनकर रहना। संतुष्टता के लिए बाबा ने सबसे सुंदर बात ये कही है, संतुष्ट जो संतुष्ट मणि बन जाते हैं, संतुष्ट मणियों का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। वो प्रकाश तो बाबा को ही दिखाई देता होगा ना, सूक्ष्म है, संसार में फैल रहा है वो। हम भगवान को पाकर संतुष्ट हो जाएं, तो मिले सब कुछ मिल गया। अपने को देते रहें ये लेसन, क्योंकि ये संतुष्टता भी एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है। भगवान मिला जिसको मिलने की इच्छा थी, सब कुछ मिल गया। तुम्हें पाकर और कुछ पाने की इच्छा नहीं, तुम्हें देखने के बाद और कुछ देखने की तमन्ना नहीं, तुम्हारा सत्य ज्ञान सुनने के बाद, अब आगे आप बोलो, व्यर्थ सुनने की इच्छा नहीं। अपने को ऐसे ट्रेंड करना, देखो मैंने भी किया है, बहुत सालों साल किया यहां, क्योंकि ये सब चीजें छूटना, प्रचिंतन छूटना, व्यर्थ छूटना, आसक्तियां छूटना, जो छोटी छोटी चीजें हैं, संग्रह वृत्ति छूटना, इसमें समय लगता है। सब मनुष्यों को इच्छा होती है अच्छे से अच्छा सब कुछ अपने पास हो, लेकिन उनसे बुद्धि को निकालना वो सहज काम नहीं होता। हम लोग तो ऐसे समय पर यज्ञ में आए जब कुछ भी नहीं होता था, एक ही पेन था, एक इंक पॉट रखी रहती थी एक जगह, सारे लोग वहीं से इंक भरते थे। अब हमारा वो टूट गया, अब क्या करें भाई, 2.5 साल तो चला, 2.5 साल के बाद उसका निब टूट गया, निब वाले होते थे, अब तो कुछ है नहीं लिखने के लिए।
तुरंत बाबा की मदद हुई। नेपाल का एक ग्रुप आया और वो 25 पेन लाए, नेपाल के चाइना के पेन, और यहाँ हम 25 ही थे, सबको एक एक मिल गया। फिर वो 4-5 साल चले, तब तक दूसरा पेन नहीं होता था, एक ही होता था, और टूट गया तो गया। तो क्या होता है कि ये जो बहुत वैभव है ना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस ये बुद्धि को नीचे रखता है। इसलिए बाबा कहते, एक मूल सिद्धांत की बात कह दी, बैगर बन जाओ तो बुद्धि ऊपर उड़ने लगेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है। मुझे एक बहन की याद आ गई, चंद्रकला बहन बैठी है ना, उसके सेंटर पे हम गए, हम कहीं से आ रहे थे, सवेरे की फ्लाइट थी, रात को उसके सेंटर पे गए। सेंटर बहुत बड़ा, 90,000 फुट में बना हुआ, 4 मंजिला, 3 तो होल बड़े बड़े जिसमें 1,000 बैठ जाएं, मुझे दिखा रही थी सारा। तो अपने कमरे में चली गई, मैं सोचा बहन जी का कमरा है, मैं बाहर रहा, कहा आओ आपको दिखाने लाई हूं। मैं देखा चारों ओर कुछ नहीं है, वहां तो एक अलमारी है, बेड, उस पे दरी। मैंने कहा यहीं सोती हो? हाँ। इशारा किया, लिखा हुआ था अपने कमरे में, लिखा हुआ था, ये वैराग्य भरा जीवन मैंने स्वइच्छा से ग्रहण किया है, ताकि उसको भी कहीं इच्छा ना हो जाए, सब कुछ दूसरों के लिए। मैंने पूछा स्टूडेंट कितने हैं? 380 हैं, सेवा भी अच्छी। तो हमें भी उससे प्रेरणा मिली, तब मुझे गीता के महावाक्य याद आए, वहां तो श्री कृष्ण दिखाया ना, तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन संसार में कोई ऐसी चीज नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और न कर सकूं, लेकिन मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी पहले से ही, कि गीता में लिखा है, भगवान बोल रहे हैं, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा, मैं चाहूं तो सब कुछ प्राप्त हो जाए। बस यही बात है योगी जीवन के लिए, जिसने अपनी सभी इच्छाओं को समाप्त कर लिया हो, जो एक के प्यार में डूबना सीख गए हो, जिसने समय के महत्व को पहचान कर अपने को चारों ओर से डिटैच कर लिया हो, वही योगी बनते हैं। प्यार बहुत चाहिए, योग के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, प्यार में मगन होना भी बहुत श्रेष्ठ योग है। बाबा के प्यार में मगन हो जाएं हम, लेकिन ये काम जबरदस्ती तो नहीं होगा ना। प्यार बहुत उमड़ पड़े उसके लिए, इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा, उसने मुझे, अब हमें नहीं, मुझे, अपने अपने लिए सोचेंगे, क्या क्या दिया। हर एक अपने जीवन को देखे, जब से बाबा के बने उसने मुझे क्या क्या दिया। अगर उन चीजों को लिख लें तो 50 हो जाएंगी, नहीं तो एक ही संकल्प आएगा, बहुत कुछ दिया या सब कुछ दिया, इतने में मजा नहीं आएगा। क्या क्या दिया उसने। मैं सोचता हूं हम जब यहां आए 68 में, हमको तो कुछ भी नहीं आता था, पढ़ के आ गए थे, ठीक है पढ़ाई में अच्छे थे, और कुछ तो आता ही नहीं था, व्यवहार नहीं आता था, भोजन बनते तो कभी देखा ही नहीं था। क्या क्या बाबा ने सिखाया, स्थूल में भी सूक्ष्म में भी, ज्ञान को रिफाइन किया, पालना की बहुत ज्यादा। हम तो बाबा से पर्सनली कितनी बार मिले, बड़ा प्यार था बाबा का हमसे, बुला लेता था, किचन वालों को बुलाओ, कितनी बार बुलाया होगा, हम थोड़े से ही थे 5-7, बहुत अच्छी तरह मिलते थे। तो क्या क्या दिया बाबा ने, मैं अपनी बात की, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं आपको नहीं मिला। रोज पालना होती है, रोज
अमृत वेले उठकर इस पालना का अनुभव करो। अब लास्ट बात बता रहा हूं जो मेरी बहुत प्रिय बात है। योग का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इस पे बहुत चर्चाएं भी हो सकती हैं, अभ्यास भी। एक बहुत सुंदर बात यहीं के ओम शांति भवन की बाबा ने जो कही थी, बाबा की मुरली थी, तुम सभी ब्राह्मण बहुत भाग्यवान हो, प्रभु पालना में पल रहे हो। बहुत बार सुनाई है मैंने, और मैं इसलिए सुनाता हूं कि मेरा नशा रिवाइज हो जाता है, आपका भी हो जाएगा बहुत अच्छी तरह। तो बाबा ने पालना याद दिलाई, सवेरे बाप तुम्हें उठाते हैं, है ना अनुभव है, बस कह के तो देखो, इतने बजे उठा देना, ठक उठाएगा। कभी तो आवाज आती है बाहर से, मुझे भी होता है, किसने आवाज दी, देखा कोई तो है नहीं, कौन होगा सवेरे 3 बजे, कोई नहीं है। फिर पढ़ाने आता हूं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता हूं, रात को सुलाने आता हूं, कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो आंसू पोंछने आता हूं। कितनी प्यारी बात है, सोच के देखो, जैसे माताओं का बच्चा रोने लगे तो आंसू पोंछ देते ना साड़ी से, भगवान भी आंसू पोंछने आता, इतना प्यार करता है। ये 5 बातें कहकर कहा कि दुनिया वाले अगर सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या, है ना, ये कितनी अच्छी बात। और उत्तर बाबा ने ही दे दिया, तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। भगवान ने खुद कहा खाली बैठा हूं तुम्हारे लिए। अब ये हमारी बुद्धि की बात है, हम कितने बुद्धिमान हैं कि देने वाला खुले हाथ, देने के लिए खाली बैठा है, हमारी सुनने के लिए खाली बैठा है, प्यार देने के लिए, दुख हरने के लिए, समस्याएं नष्ट करने के लिए खाली बैठा है, हम क्या करें। चलो इसी प्यार में मगन होके अब योग के साथ समाप्त करेंगे। ओम शांति। प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भाई जी का, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें, टिप्स अभ्यास के लिए दिए हैं। हमें अवश्य ही अभ्यास करके इनको साधना होगा, समझा तो सही लेकिन आगे क्या चाहिए, करना है, अभ्यास करना है। तुम यकीन भी दिलाते हैं कि हम अवश्य अभ्यास करेंगे और लाभ लेंगे। थैंक यू।